अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। अभी मैं एक दोस्त हैं हमारे, उनके फार्म हाउस पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे देख के यकीन करें बहुत दिल खुश हुआ है। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त फार्म हाउस बनाया और बहुत ताज़गी मिली जेन को देख के ना। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ जो खूबसूरत और ख़ूबसूरती में इजाफा करने वाली, ये देखें सामने इन्होंने सब्ज़ियाँ उगाई हुई हैं, मौसमी सब्ज़ियाँ सारी लगी हुई हैं और ये अभी उनको तरोताज़गी बख्शने के लिए इन्होंने पानी का निज़ाम भी बहुत ज़बरदस्त बनाया। ये ज़ेर ज़मीन इन्होंने जो है वो शावर सिस्टम लगाया, तो वो हर जगह पानी पहुंचा रहे हैं। और आगे फिर देखें जी, इन्होंने सील मुर्ग भी रखे हुए हैं और कबूतर भी हैं, मोर भी हैं और मोर के बच्चे भी हैं, बाकी तोते भी हैं, खरगोश भी हैं, बत्तखें भी हैं और देसी मुर्गी भी हैं। घर के अंडे हैं इनके, घर का टोटल फ्रूट है आम, अमरूद, आड़ू, मौसम्मी, जामुन, अंगूर, लीमू और मीठे और संतरे। ये देखें, ये लेके आ रहे हैं डॉक्टर साहब, ये हाथ में पकड़े हुए हैं ताज़ा। ये देखें, ये नेमतें मिलती हैं कहीं? तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है ना, बड़ा दिल खुश हुआ देख के। मैंने कहा चलें दोस्तों को भी दिखाते हैं। तो इन्होंने हर तरह की जो है ना वो खूबसूरती बनाई हुई है। ये मैं आपको करीब से ज़रा दिखाता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे ये सील मुर्ग है जिसे असील मुर्ग बोलते हैं। ये देखें, ये असील मुर्ग हैं, ये ऊपर कबूतर हैं जो दोस्त शौक रखते हैं वो समझ जाएंगे इनको। बाकी ये पौधे हैं फलदार और फूलदार सारे। ये अंगूर की बेल चढ़ाई है इन्होंने और सबसे हैरानगी वाली बात ये है कि ये इन्होंने सारा अपने हाथों से किया, कोई लेबर शेबर नहीं लगाई, अपने हाथों से ये सारा बनाया। और यहाँ पे टाइम भी देते हैं, इनका अपना क्लिनिक है, क्लिनिक पे भी टाइम देते हैं और यहाँ पे भी टाइम देते हैं। तो बाकायदा कूलर रखा हुआ है, चेयर्स वगैरह पड़ी हुई हैं, चारपाई पड़ी हुई है और ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ें देख के इंसान का दिल खुश हो जाता है। ये देखें, ये देखें, ये बतखें, ये देखें, ये लाड कर रही हैं अभी, ये ना इन्होंने शोर मचाए हुए, ये लाड कर रही हैं, अपने प्यार का इजहार कर रही हैं। आगे फिर वो अंदर इनका तालाब बना हुआ है छोटा सा, उसमें पानी में जाती हैं जब, तो वहाँ पे अपना ये रिफ्रेश हो जाती हैं। बाकी ये वो आगे मुर्गियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी, ये देसी मुर्गियाँ हैं, अंडे भी घर के खा रहे हैं। ये आम हैं, अमरूद हैं, माल्टे हैं, मीठे हैं, गुलाब लगा हुआ है, बहुत सारे फलदार दरख्त लगे हुए हैं जो के बहुत सारे, उनके मैं भी नाम नहीं ले सका लेकिन बहुत सारे फलदार। और ये घर का फल खाते हैं माशाल्लाह सारे, ये इन पे अल्लाह का खसूसी फजल और करम है। ये देखें अभी इन्होंने उतारे हैं और अपने हाथों से काट रहे हैं ये। तो ये इस फल का अपना ही मज़ा है और ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है कि अपने बगैर कोई और हाथ टच हुए अपने हाथों से उतारी है अल्लाह की नेमत और उसको आपने खा ली है। इससे बड़ी और अल्लाह पाक की क्या रहमत, क्या बरकतें होंगी। और ये हमारे मरहूम दोस्त थे डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब, अल्लाह पाक उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजल फरमाए। ये उनके छोटे भाई हैं डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, तो हमारे भी ये भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। तो ये इनका फार्म हाउस है, ये बाउग सीटपुर में, बहुत ज़बरदस्त फार्म हाउस है। मैंने बहुत सारे दोस्तों के देखे हैं फार्म हाउस और, लेकिन इनके फार्म हाउस में
कुछ नया इसलिए है कि ये सारा कुछ इन्होंने खुद किया अपने हाथों से, और ये बड़ी मेहनत की बात होती है कि अपने हाथों से सारा कुछ करना, तो उसमें लगन भी होती है, जज्बा भी होता है, शौक भी होता है, ये सारी चीज़ें तब होती हैं, वरना लेबर लगा के तो हर कोई कर लेता है। यहाँ पे आके बहुत रिफ्रेशमेंट महसूस हुई, चारों तरफ ग्रीनरी है, पुरसकून जगह है, इंसान थका मंदा आए तो यहाँ पे आके थोड़ी देर, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आके चारपाई पे सर रख के सराहने पे लेट जाए थोड़ी देर आंखें बंद करके तो फ्रेश हो जाता है, और जब आंखें खोले तो चारों तरफ फ्रूट और फ्रूट की खुशबू, सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरतें हैं, अल्लाह पाक के नज़ारे हैं। तो अभी हम ये मीठा खाएंगे, संतरा क्या है जी? जी मीठा है, ये मीठा खाएंगे जी। तो बिल्कुल, ये जी ये मीठे के बारे में आपको बता दूं मेडिकल के वाले से कि जिन लोगों के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और प्लेटलेट्स की कमी की वजह से उनकी विल पावर वीक हो जाती है, तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो फिर बंदे के ऊपर हैवी हो जाती हैं, और अगर विल पावर इंसान की स्ट्रांग हो प्लेटलेट्स की सूरत में तो बहुत सारी बीमारियों से दफा करने की वाइटल फोर्स जो है वो फिर उसको मिलती है, पावरफुल होती है। इन्होंने नमक भी रखा हुआ है यहाँ पे, छुरी भी रखी हुई है, सारा कुछ सारा सामान रखा हुआ है, इससे ये साबित हुआ कि ये यहाँ पे आके फुल एंजॉय करते हैं, और सारा फल कह रहे हैं कि हम सारा फल खाते हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, माल्टा है, उसके बाद लेमन है और अनार है और फरमानी है, खुबानी है, सब है, और इसके अलावा छोटे जो हैं उसमें इलायची है, काली मिर्च है, अल्हम्दुलिल्लाह सब्जियां काफ़ी हैं, मूली, शलजम, अभी बता रहे हैं गाजरें लगाई हुई हैं, शलजम लगाए हुए हैं, मूली लगाई हुई है, धनिया लगा हुआ है, पालक लगी हुई है, किसी खाद के किसी केमिकल के बगैर प्योर हर चीज़ यहाँ पे इनको, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अल्लाह पाक का फजल है इन पे कि ये सारा कुछ इनको देसी मिल रहा है, अंडे देसी मिल रहे हैं, मुर्गे देसी हैं घर के, जब जो जी चाहे खाएँ, गोश्त खाएँ, अंडे खाएँ, बतखें खाएँ, खरगोश का गोश्त खाएं, जो भी खाएं, झील मुर्गे हैं सारे, यानी कि इन्होंने सारा शौक अपने एक फार्म हाउस के अंदर सारा पूरा किया हुआ है, और अल्लाह पाक इनको और भी इसी तरह की नेमतें जो है वो अता करे और अपना फजल और करम भी अता करे जी। इसी के साथ अब हमारे जो है ना वो मीठे वो गर्म हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं हमारा, इसलिए हम मीठे खाएँगे अभी। ये जी लीमू भी लेके आए, ये देखें छोटा सा लीमू है और इनका छिलका सही कागज़ की तरह बारीक छिलका है, ये देखें, ये कह रहे हैं कि जी ये खा के देखें, तो मैं इसको खा के देखता हूँ बगैर कैमरे के, ये ना हो मेरी चीखें निकल जाए। नहीं नहीं जी, वाह जी वाह, मैंने खाया, यकीन करें पहली दफ़ा खाया है लीमू का छिलका, कोई कड़वा नहीं है, ये देखें, ज़रा भी पता भी नहीं चला मीठा ये भी, ये मीठे के ऊपर ये चेक करें रस, ये देखें जी, इसको हम यूँ चेक करेंगे अब, ये देखें, ये छिलका निकल गया था, वैसे नींबू का रस चेक करो, ये है मजे का खट्टा। अब ये हम जो है ना वो देखो ना लादी नेमत, मीठे के ऊपर विटामिन सी भी ले रहे हैं, ये देखें, ये काम कहाँ करने को मिलते हैं यार, ये देखें, आज मज़ा आ गया वैसे डॉक्टर साहब। नींबू का जो रस है कितना कड़वा है, ये सही खट्टा, ये दो लेमन या तीन लेमन एक जग पानी में, मीठा भी दो किस्म का है, ये एक बड़ा वाला है एक छोटा वाला है, मुझे ये बड़ा वाला ज़्यादा टेस्टी लगा इसलिए मैं यही खा रहा हूँ, ये बड़ा वाला। मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत मजा आया, यकीन करें इन्होंने इतने सारे काट लिए, कह रहे हैं सारे आपने खाने हैं, मैं अब सारे कैसे खा सकता हूँ भला। हम तो डेली खाते हैं ना, ये आपके लिए है। अब मैं कोशिश करूंगा लेकिन मुझसे ख़त्म नहीं होंगे, ये मुझे कन्फर्म है कि ये ख़त्म नहीं होंगे, बहरहाल जितने खा सकता हूँ इतने ज़रूर खाऊंगा।
काश मैं आपको कैमरे में से भेज सकता तो मैं आपको भी ज़रूर देता। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ अल्लाह पाक ने बनाई है, ये देखें कितने अच्छे इसके ज़र्रे हैं, सारे रस भरे अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक हो गया, और मैं खान दियो, तुझे कैमरा बंद करो।